हेलो गाइस, आई एम नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली अकेडमी में। और जैसे कि मैंने आपको हमेशा प्रॉमिस किया है कि एवरी वीडियो में हम आपको कुछ ना कुछ नया बनाकर दिखाएंगे, सो आज का जो टॉपिक है हमारा आई लैशेज एक्सटेंशन और उसके प्रोडक्ट। सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। सो चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोडक्ट हमें चाहिए। सो सबसे पहला जो प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है वो चाहिए होता है हमें क्लिंजर। और जैसे कि हमारे क्लाइंट ने आई लैशेज पर मस्कारा ना अप्लाई कर रखा हो या फिर जेल लाइनर ना अप्लाई किया हो तो उसके लिए हम ये क्लिंजर यूज़ करते हैं। और साथ में इसके लिए जो हेल्प करता है हमारा ये ब्रश, ये क्लिंजर ब्रश रहता है जिससे कि ईजिली सॉफ्टली जो है हमारी आई लैशेज क्लीन हो जाती हैं डीपली। इसके अलावा जो है हमें ये चाहिए मस्कारा ब्रश जो कि ईजिली अवेलेबल होता है। इसके अलावा हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो चाहिए हमारी ग्लू प्रेप ट्रीटमेंट और प्राइमर। ये हमने तीनों चीज़ें जो हैं इसमें बॉक्स में रखी हुई हैं। इसमें हमारी जो ग्लू है बहुत जल्दी से ख़राब नहीं होती है तो ये बॉक्स इसलिए मैं ये ज़रूर यूज़ करती हूँ। इसके अलावा हमारी टेप चाहिए हमें, जैसे कि हमें आई पैचेस लगाने होते हैं, ये है हमारे आई पैचेस, सो ये आई पैचेस यूज़ करते हैं हम। इसके अलावा हमारे लिंट टिश्यूज़ जिसको हम बोलते हैं वेट वाइप्स, और इसके अलावा हमारे जो टूल्स रहेंगे वो रहेंगे एक सेपरेटर और एक एप्लीकेटर, जैसे कि ये सेपरेटर है और ये एप्लीकेटर है, ये सारे प्रोडक्ट रहेंगे। इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि हमारा जो है आई लैशेज, सो आई लैशेज जो है हम आज अप्लाई करने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें थिकनेस जो है 0.15 की है और जो इसकी लेंथ है वो 9 mm की है, तो हम उस हिसाब से जो है हमें इसे अप्लाई करेंगे। अब मैं आपको इसे खोल कर दिखाती हूँ जिस वे। सो ये है हमारी आई लैशेज, इसको हम टच करते हैं तो बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आती है कि हाँ हम कहीं पे हमारे हेयर जो बहुत हार्ड है, तो ये है ह्यूमन हेयर। सो ये ह्यूमन हेयर आज हम यूज़ करेंगे आई लैशेज पर। सो गाइज, ये है हमारे क्लाइंट के आई लैशेज, आप देख सकते हैं बहुत ही कम वॉल्यूम है और लेंथ भी काफ़ी कम है जिस पर हम आई लैशेज लगाने वाले हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज है और बहुत ही छोटे छोटे हेयर्स हैं इसमें। और इसके लिए गाइज आप बहुत ध्यान रखें, आई लैशेज का काम बहुत बारीकी का होता है, सो मेक श्योर या तो आपके पास हेयर रिंग लाइट हो या फिर हमने जैसे कि फोकस लाइट लगवा रखी है ऊपर ताकि हमें देखने में और ज़्यादा क्लैरिटी रहे, तो हमने इसके लिए जो है ये लाइट्स ज़रूर लगाएं। और इसके अलावा जो है हमारी जो आई लैशेज आप देख सकते हो, और सेंसिटिव एरिया है आई लैशेज आई लाइनर में, देखिए आप देख सकते हैं रोड पर आई लैशेज रोड पर काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस हो रखी है, सो मेक श्योर हमें इसे अच्छे से क्लीन करना होगा पहले और उसके बाद ही हम आई लैशेज अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले जो है हम यूज़ करेंगे क्लिंजर को। क्लिंजर से हम अच्छे से डीपली आई लैशेज को क्लीन करेंगे हमारे सॉफ्ट वाले ब्रश से, और ये ब्रश इतना सॉफ्ट होता है बिल्कुल भी चुभता नहीं है, सो दैट्स व्हाई ये काफ़ी अच्छे से डीपली क्लिंजिंग कर देता है। और बाकी काम हमारा जो क्लिंजिंग का वो क्लिंजर तो कर ही रहा है। सो इसे करने के बाद हमें इस तरीके से वाइप करना होता है। सो दोनों आईज को जो है वन बाय वन करके हम इस तरीके से वाइप करेंगे, उसके बाद लगाएंगे हम ये आई पैचेस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अगर आपके आई पैचेस ढंग से सेट नहीं होते हैं तो आपका वर्क प्रॉपरली नहीं होता है। बट उससे पहले हमने इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में एक साइड से कट करके फ्रंट साइड से आई की इनर कॉर्नर से हमने इस तरीके से कट करके अप्लाई कर दिया ताकि उसमें कुछ भी बम्पी ना बनकर आए हमारे पैचेस में और वो प्रॉपरली सेट हो जाए। उसके बाद जो है बचे हुए रेस्ट हेयर को जो है हम टेप से चिपका देंगे ताकि हमारी जो आई लैशेज़ के ऊपर हमने ग्लू अप्लाई करनी है वो बिल्कुल भी नीचे वाली आई लैशेज के ऊपर ना लगे, अदरवाइज वो बाद में जब हम आई पैचेस रिमूव करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। आई पैचेस लगाते हुए हमेशा ध्यान रखना है कि जब आईज़ क्लोज करें हमारी क्लाइंट तो रेटिना में बिल्कुल भी हमारी टेप या पैचेस जो है बिल्कुल भी टच ना हो। और अब जो है हम आई लैशेज़ रिमूव करके हम अप्लाई करेंगे फेस के ऊपर, आई लैशेज के ऊपर जैसे मैंने रख दिया है ताकि मेरे लिए ईजी रहे, और इसके बाद हम अप्लाई करेंगे ग्लू प्राइमर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा के पूरा प्रोसेस जो है। ग्लू प्राइमर इस तरीके से आपको यूज़ करना है, बहुत ही लाइट क्वांटिटी में लेके हमारी आई लैशेज के ऊपर अप्लाई करना होता है, और इसके बाद जो है सेम इसी तरीके से हमें अप्लाई करना होता है प्रेप ट्रीटमेंट। प्राइमर और प्रेप ट्रीटमेंट अच्छे से अप्लाई करने के बाद जो है अब हमारी बारी आती है आई लैशेज एप्लीकेशन की। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट सेपरेटर, ग्लू और साथ साथ जो है एप्लीकेटर। सो ये तीन प्रोडक्ट हमारे लास्ट में रह जाते हैं, और इस तरीके से हम पहले अच्छे से अपने ग्लू को शेक करके
इस रिंग में अप्लाई कर लेंगे ताकि हमारे लिए इजी रहे एप्लीकेशन करनी और ज़्यादा दूर तक हमें आई लैशेज को लेकर ना जाना पड़े। और अब जो है वन बाय वन करके हम अपनी आई लैशेज नेचुरल हेयर के ऊपर चिपका देंगे। सो गाइज वन बाय वन करके हम एक हेयर के ऊपर वन हेयर भी लगा सकते हैं और अगर चाहें तो तीन से चार हेयर भी अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड होता है आपके पास हेयर की क्वालिटी कौन सी है और कितने उसकी थिकनेस है और उसके लेंथ कितनी है। सो गाइज अगर आप भी हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं अब आई लैशेज की, माइक्रो ब्रेडिंग, आईब्रोज की, नेल्स की, परमानेंट लिप कलर की और इसके अलावा हेयर एक्सटेंशन की भी। तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए नंबर पर उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गाइज अगर आप चाहें आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है @NAILDEZINER। सो मेक श्योर कि आप स्पेलिंग एकदम सही डालें तभी मैं आपको उसमें मिल पाऊंगी। इसके अलावा गाइज अगर आप चाहें हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, नेल डिज़ाइनर बाय नीतू कौर कोहली के नाम से हमारा पेज है, वहाँ पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और पर्सनल आईडी में भी आप मुझे पर्सनल फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, नीतू कोहली के नाम से मेरा फेसबुक आईडी है। आई एम श्योर गाइज आप देख रहे होंगे इसमें हम वन बाय वन करके हेयर किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, किस तरीके से इसमें टूल पकड़ रहे हैं और एप्लीकेशन और ग्लू कितनी क्वांटिटी में लेनी है। आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी फॉर आई लैशेज एक्सटेंशन। और गाइज अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। ओके गाइज थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।